गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल कूल डाउन ब्लॉग्स। आज मैं तुम्हारे सामने गेम आया हूँ और आप मेरे कंधे पर ये बेल्ट देख रहे होंगे। ये बेल्ट नहीं, पूरी पूरी जिम्मेदारी है। किसान भाई जानते भी होंगे, मैं इस वक्त स्प्रे करने आया हूँ खेत में। आपको दिखाएंगे कैसे स्प्रे करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे, मशीन दिखाएंगे, मशीन में पानी भरना, दवाई भरना, और ये स्प्रे क्यों करते हैं आपको सारी चीज़ें बताएंगे। स्प्रे कहाँ करते हैं, वीडियो बने रही है, आपको दिखाते रहेंगे कि ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हाँ तो गाइस, हम अपनी ट्यूब वेल यानी कि ट्यूबवेल पर जा रहे हैं। वहाँ पर हमने दवाई बना कर रखी है ऑलरेडी। दवाई का फॉर्मूला वगैरह ये सब जानना अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये हमारी मशीन का आगे का है रोप, इसे ऐसे प्रेस करते हैं और इसमें से स्प्रे निकलती है। सर आपको दिखाएंगे, बस वीडियो आप ऐसी रेगुलर बने रहिएगा। चैनल पर नया आएगा इस तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अभी मत करिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक मत करिएगा। ये अपनी बाइक खड़ी है डिस्कवर, और ये अपनी ट्यूबवेल आ गई है गाइस, ये अपनी दवाई है। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मशीन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं पानी भर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम दवाई, अब गाइस मैं ये दवाई डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें इस वाइट वाइट झाग भी आ रहे हैं, ये हमने दवाई डाल दी है। अब हम पानी की दोबारा रीफिलिंग करेंगे, पहले पानी फिर दवाई फिर पानी। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं इस घास पे स्प्रे कर रहा हूँ, इन घास को ख़त्म करने के लिए ही, अनवांटेड ग्रास को ख़त्म करने के लिए ही हम स्प्रे करते हैं। मशीन की आपको पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मशीन में आपको इस वक्त नहीं दिखा सकता, कैमरा मेरे हाथ में ही है। ये जो है ये घास प्रॉब्लम करती है, इसलिए हम इसको ख़त्म करने के लिए ये कर रहे हैं। हमारी चप्पल जो कि टूट गई थी, अब हमें इसे हाथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि टूटी हुई चप्पल पहन के जाना बहुत मुश्किल है। अब हम वापस जा रहे हैं वहाँ पर ट्यूबवेल पे, फिर हम घर चले जाएंगे, क्योंकि हमने काम छोटा सा ही था जो कि कंप्लीट कर दिया है। देखते रहिए ऐसी। जब हम घर जा रहे हैं और मशीन हमारे साथ जा रही है, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई शायद, अब मेरे को दिक्कत होगी इस टूटी चप्पल के साथ गिर डालने में, पर देखते हैं चलिए क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने व्यूज़ बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियोज़, ताकि इस किसान का लड़का, एक किसान का लड़का सब जगह अपनी बात पहुँचा सके और अपना चैनल ग्रो कर सके।